हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस का किचन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है और बनाना बहुत ईजी है। और इसको जो है ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर इंग्लिश में इसको जो है ड्रमस्टिक बोलते हैं। और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सभी को बहुत पसंद आता है और झटपट ये बन भी जाता है। इसको हर जगह पे कई तरीक़ों से बनाया जाता है, बट मैं इसको जिस तरीके से बनाऊंगी एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बनता है ये सब्ज़ी। और इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सहजन की सब्ज़ी बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सहजन, जिसको मैंने अच्छे से पहले क्लीन कर लिया, क्योंकि जो सहजन होता है जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छे से क्लीन करना होता है, अदरवाइज़ इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, उसमें जो है रेसे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से सहजन होता है। जो पतले वाले होते हैं उन्हें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो इन्हें अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत मोटे मोटे रेसे निकलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे सहजन को क्लीन कर लिया था, और इसे क्लीन करना बहुत इजी है, बहुत जल्दी से हो जाता है। और आप इसकी छोटे बड़े कैसे भी स्टिक में इसको पीसेस में कट कर सकते हैं, इसे बड़ा भी और छोटा भी। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है सभी सहजन को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसे क्लीन करना कितना ईजी है। तो ये देखिए सारे सहजन को यहाँ पे क्लीन करके और मैंने रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया, जिसको इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, आप देख सकते हो, आप ऐसे कैसे भी कट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक दो मीडियम साइज के टमाटर लिए, इन्हें रफली कट किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अनियन एक बड़े साइज का, इसको भी मैंने रफली कट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो ग्रीन चिली ली है, जिसको मैंने बीच से बस ऐसे ही जो है कि इसके स्लाइसेस बना लिए हैं। उसके बाद एक चम्मच यहाँ पर मैंने लिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने घिस के लिया है। यहाँ पे सूखे मसाले हैं, दो तेज पत्ता है, एक इलायची है, और थोड़े से जो है कि काली मिर्च है, और एक लौंग है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साबुत जीरा लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा गर्म मसाला। तो सबसे पहले मैं टमाटर और जो ये प्याज है इनका पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना लिए हैं टमाटर और प्याज का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया था और ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैंने दो बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। तो सबसे पहले जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो आलू को मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, बट क्या होता है कि जो सहजन होता है वो बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है। और अगर आलू आप ऐसे डालेंगे तो सहजन पक जाएगा जल्दी से और आलू अच्छे से पकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसको जो है कि मैं गोल्डन ब्राउन होने तक हाफ को किसे में कर लूँगी, और जो आधा है वो मैं बाद में कर लूँगी, और इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राई हो गया है, उसके बाद मैं इसको एक प्लेट पर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल लिया आलूओं को। सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पे सूखे मसाले जो थे वो डाल दूँगी। यहाँ पे दाल जो बड़ी इलायची थी इसको मैंने कूट के डाला, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से ऑयल के अंदर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं जीरा डाल दूँगी, और जीरा जब छटकने लग जाए बस उतना ही आपको इसको भूनना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना मसाले जल जाएंगे। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसका मतलब आपके मसाले ऑयल में मिल चुके हैं। देन फिर यहाँ पर मैं जो है कि अनियन डाल दूँगी पेस्ट, जिसको मैंने बना के रखा था, और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आपको पका लेना है और कंटिन्यू चलाते रहना है, ताकि ये जो है इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए और मसाले जले भी ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको मैं कंटिन्यू चलाती रही। देन फिर यहाँ पर मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ग्रीन चिली मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो इसी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप जब जीरे के साथ जब डालें तभी उसी टाइम पे डाल देना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो टमाटर प्यूरे बना के रखी थी वो डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, और आपको तब तक अच्छे से इसको चलाना है जब तक ये अच्छे से मिल नहीं जाता प्याज के साथ में।
तो इसको जो है मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए आपको जो है मिक्स करना है। देन फिर यहाँ पे जो सूखे मसाले मैंने लिए थे वो डाल दी हूँ और इसको जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से जो है मसालों को हमें पकाना है। जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता मसालों से तब तक के लिए इसको अच्छे से जो है मैं चलाते हुए पका लूँगी। मसाले आपके जितने अच्छे से पकेंगे सब्जी का टेस्ट जो है उतना ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे जो है कि मुझे 5 मिनट हो चुका था और ईजली जो है ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं मसालों से, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, उसके बाद जो आलू फ्राई करके रखा था वो भी मैं यहाँ पे डाल दी हूँ और अच्छे से आलू को मसालों के साथ मिक्स कर देना है। ये देखिए इसको मैं कंटिन्यू चलाती रही हूँ ताकि जो आलू है मसालों के साथ ही अच्छे से मिल जाए। जब ये मिल जाए और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, उसके बाद यहाँ पे जो ये सेजन में रखी थी वो डाल दूँगी और अच्छे से इसको भी मिला देना है। ये देखिए ताकि जो मसाले हैं वो सेजन में भी अच्छे से मिल जाए और जो आलू है वो भी ताकि अंदर तक चला जाए, उसको अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम को इस बात का ध्यान रखना है कि मीडियम रखे, अदरवाइज मसाले जल जाएंगे। देन फिर जो यह मैंने बाउल लिया था उसी बाउल से मैं यहाँ पे 2 बाउल जो है यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। आपने अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं बट इतनी सी सब्जी के लिए इनफ था। उसके बाद इसको चला के और 5 मिनट के लिए इसको ढक के आपको पका लेना है। यहाँ पे 5 मिनट हो चुका था और मैं ओपन करके देखूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी और अच्छे से बॉयल भी आ गया है। आप देख सकते हैं सब्जी यहाँ पर हमारी पक चुकी थी और अब जो है कि फ्लेम को मैं यहाँ पे हाई कर दूँगी और हाई फ्लेम पे थोड़ा मैं इसको चलाते हुए और पका लूँगी। और यहाँ पे मैं आलू को चेक कर रही हूँ कि हुआ या नहीं, तो यहाँ पे आलू हमारा हो चुका था, आप देख सकते हैं इसको कट कर कर भी मैंने दिखाया। उसके बाद यहाँ पे मसाले हो गए, इसको जो है अच्छे से चला दूँगी। उसके बाद इसको जो है एक बाउल में मैं सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।